प्रयागराज में लगे माघ मेला में एक बहुत बड़ा रैकेट बस्ट हुआ है। इस वीडियो को जरूर देखें क्योंकि इसके शिकार आप हो सकते थे, आगे चल के ऐसे किसी रैकेट के शिकार आप हो सकते हो। पुलिस ने कन्वर्जन रैकेट के दो मेंबर समीर और मनीष को उस मेले से अरेस्ट किया जिन्होंने वहां पर बुक स्टॉल लगाया हुआ था। उन्होंने स्टॉल पर तो डिस्प्ले के लिए हिंदुइज्म से रिलेटेड बुक्स रखी हुई थी, लेकिन उसके नीचे 204 मुस्लिम रिलीजियस बुक्स थी। हिंदुइज्म से रिलेटेड बुक्स को ओपन किया गया तो उसमें यह पता चला कि उन्होंने काफी हिंदू धार्मिक स्क्रिप्चर्स को मिसइंटरप्रेट किया हुआ है, काफी श्लोक सा गलत मीनिंग निकाला हुआ है, इस्लाम को प्रमोट किया हुआ है और हिंदुइज्म को फॉल्स प्रोपेगेट किया हुआ है। पुलिस ने बताया कि जो दो युवक अरेस्ट हुए हैं, एक समीर जो खुद 12 साल पहले इस्लाम में कन्वर्ट हुआ है और जो मनीष है वो खुद 2 साल पहले इस्लाम में कन्वर्ट हुआ है। इनका जो हेड है उसका नाम है महमूद हसन गजी और ये खुद एक मदरसा टीचर है और इसको ऐसा कार्य करने के लिए यूएई से फंड मिलता है। 5,000 रुपए में यूथ को जो है वो नौकरी के बहाने ऐसे कार्य करवाता है और इस्लाम को प्रमोट करता है, कन्वर्जन करवाता है लोगों का। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप सनातन धर्म की कोई भी बुक्स परचेज करो तो किसी सही जगह से परचेज करो, ऐसे किसी रैकेट के शिकार ना हो। लोगों ने दो लड़कों को वहाँ से पकड़ा हुआ है जो ठेले पे धार्मिक पुस्तकें बेच रहे थे। उसमें कुछ पुस्तकें मुस्लिम धर्म से संबंधित थी, कुछ पुस्तकें इनकी हिंदू धर्म से संबंधित हैं, जिसमें इन्होंने हिंदू धर्म ग्रंथों के जो श्लोक हैं उनको कोट करके उनकी गलत ढंग से व्याख्या की है।